मैं यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर और आज हमारे सामने हैं दो मोस्ट अवेटेड बाइक। एक है के टी एम आर सी 390 2022 मॉडल और दूसरी है हमारी यामाहा आर थ्री। यामाहा आर थ्री जो है वो है बी एस फोर मॉडल और के टी एम आर सी 390 जो है वो है बी एस सिक्स मॉडल। और आज हम करने वाले हैं इन दोनों में हाईवे बैटल। हो सकता है ये फर्स्ट बैटल रेस हो यूट्यूब पे, तो देखते हैं भाई आर सी 390 कितना एफर्ट लगा पाती है आर थ्री के आगे और आर थ्री कितना जोर लगा पाती है आर सी 390 के आगे। तो भाई ये बाइक है रमेश की, रमेश ने अभी हाल ही में परचेस करी है और रमेश का जो वेट है वो अप्रोक्स इतना ही है जितना मेरा है, मतलब के 3-4 किलो थोड़ा सा लाइट वेट है रमेश मेरे मुकाबले। बाकी देखते हैं भाई आर सी 390 भी आर थ्री से काफ़ी लाइट है, तो देख पाते हैं कि आर सी 390 आर थ्री की धज्जियाँ उड़ा देती है या नहीं उड़ा पाती या कितना कैसा परफॉर्मेंस है मतलब आर सी 390 का आर थ्री के आगे और आर थ्री का आर सी 390 के आगे। तो चलो रेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। और भाई रोड बिल्कुल आप देख रहे हो क्लीन हो चुकी है, बारिश हो रही थी अभी, बारिश भी रुक चुकी है। थोड़ा सा रिस्क है गिली रोड पे बाइक भगाना, लेकिन देखते हैं अगर आगे रोड सही मिलती है तो टॉप एंड खींचेंगे। तुम आर सी चला लो पहले, मैं आर थ्री, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। हाँ दो राउंड हो जाएंगे ना। हाँ तो भाई मैं चलाऊंगा आर थ्री और रमेश चलाएगा अपनी आर सी 390। क्विक शिफ्टर के सामने मैनुअल शिफ्टर क्या काम कर पाता है देखते हैं। निकल गई, ओ भाई साहब क्विक शिफ्टर प्रॉपर काम कर रहा है। निकल गई, निकल गई आरसी, निकल गई। यहाँ डाउन शिफ्ट मार दिए रमेश ने, पता नहीं क्यों डाउन शिफ्ट मारी थी, समझ नहीं आया। मैंने भी थोड़ा सा डाउन लिया और मैं चल रहा हूँ उस टाइम 170 पे, एक्चुअल में 162 है, अभी मैं 175 हूँ, तो 167 की स्पीड है एक्चुअल में, क्योंकि मेरी बाइक में 140 का टायर लगा हुआ है, इस पर स्पीड एरर कम आता है। 150 टायर जो है उसमें स्पीड एरर ज़्यादा दिखाता है। डाउन मान लेते हैं एक बार और करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आर सी 390 जो है रमेश ने डाउन मार दी थी। अब वो डाउन क्यों मारी थी समझ नहीं आया, अभी मैं पूछता हूँ कि भाई डाउन क्यों मारी थी, क्या हुआ, डाउन क्यों मार दी थी। अच्छा वो कर्व से आ गया था वो। अच्छा चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं, सेकंड डाउन लेते हैं। भाई लगता है आर्थरी निकल गई आगे, बट मुझे नहीं लगता कि आर्थरी ज्यादा देर तक टिक पाएगी। काफी तेजी से रमेश ने पुल किया बाइक को और ये थोड़ा सा चढ़ाई आ गई यहाँ पर। बाकी देखते हैं भाई आगे कर्व, आज हमारा हाईवे साथ नहीं दे रहा भाई, क्योंकि कभी तो गीली रोड मिल जाती है, कभी ट्रैफिक आ जाता है। चलो कोई नहीं यार, और एक एक और बनाते हैं। नहीं मैंने ब्रेक नहीं मारे, तुमने शायद ब्रेक लिए थे, नहीं लिए, चलो कोई नहीं। मैंने पांचवे गियर को बहुत देर तक रखा था, शिफ्टिंग नहीं करी थी, मैंने लगा बहुत, मुझे लगा बहुत पीछे रह गए हो। रुको थोड़ा ट्रैफिक कम होने दो, हाँ थोड़ा सा खाली होना चाहिए, वो वाला खाली है। क्विक शिफ्टर वर्सेस मैनुअल शिफ्टर,
की बार फिर RC390 आगे निकलते हुए वेट का फायदा उठाते हुए रमेश, लेकिन भाई अब की बार पांचवे गियर में खींचे चले जा रहा हूं मैं आगे, शायद यार रेस में जब मजा आना शुरू होता है ना तभी कुछ ना कुछ आगे आ जाता है। ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ, क्या हम अपनी रेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? अरे यार मजा जब आता है भाई, वो ओपन हो और बाइक खैचम खैच जा रही हो, ये कहीं हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अरे उस दिन जिक्सर के साथ आया था ना मैं, कुछ भी नहीं था, एकदम साफ हाईवे था। तो भाई ये थी न्यू RC390 वर्सेस R3 की ड्रैग रेस। इसमें आपने देखा कि भाई दोनों बाइकों ने कितना एफर्ट लगाया, अपनी अपनी जगह दोनों बाइकें परफेक्ट थी। हालांकि RC390 के अंदर क्विक शिफ्टर है और R3 जो है बिल्कुल मैनुअल इंजन पर है, तो उसमें इतना मतलब के इतने फीचर्स भी नहीं है जितने कि RC390 के अंदर है। लेकिन देखा जाए तो भाई अच्छा मुकाबला हुआ दोनों बाइकों का, टॉप एंड में दोनों बाइकें बराबर ही रहीं। कहीं मतलब RC390 R3 से आगे निकल गई, क्योंकि RC390 का जो वेट है वो भी कम है और RC390 में जो राइडर है अपना रमेश, उसका वेट भी कम है। हालांकि अगर दोनों राइडरों का वेट सेम हो तो हो सकता है टॉप एंड दोनों की बराबर रहे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई RC390 जो है वो क्लियर विनर है। बाकी अब R3 आने वाली है, न्यू वाली 2022 एडिशन, उसका भी वेट काफ़ी रिड्यूस किया है यामाहा ने। अगर वो आ जाती है अपने ग्रुप में, वैसे तो आ जाएगी बहुत जल्दी, बहुत सारे बंदे लेने के लिए उसे परेशान है, तो उससे भी हम न्यू R3 से न्यू RC390 की रेस करेंगे। और देखो भाई हमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना, हम टॉप एंड नहीं खींच पाए क्योंकि भाई हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश है, ज़्यादा लंबी हम बाइक खींच नहीं पाए, इसलिए हमने ड्रैग रेट्स की वीडियो बनाई है। हो सकता है आगे नेक्स्ट राइड जब करें हम तो KMP वाला जो दूसरे वाला हाईवे है जो फारूक नगर की तरफ जाता है वो काफ़ी खाली पड़ा रहता है, तो उस हाईवे पे अपन लगा लेंगे रेस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट संडे जब अपना रमेश भाई आ जाएगा दोबारा तब अपना लगा लेंगे उस हाईवे पे और टॉप एंड खींच के देख लेंगे दोनों बाइकों पे जो राइडर है वो भी सेम वेट के कर लेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होता है वो पता लग ही जाएगा। और भाई ये जो है क्या नाम, ये हो सकता है पहली वीडियो हो न्यू RC390 वर्सेस R3 की यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। भाई के चैनल का नाम आपको पता ही है, नॉट्स राइडर।